सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल। अभी तो शुरू कर रहे हैं यूएपीए का कानून बना जो समाजवादी कांग्रेस और बसपा की तारीख से बना, और उसी कानून के तहत कई नौजवान बच्चे आदिवासी दलित जेल में अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं 3-3 साल से जेल में। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है कि हाँ हम तो सत्ता दे दो, हमारे कैदी बनकर रहो, दरी बिछाओ, भैया दुख पे जवानी कुर्बान के नारे लगाओ, जब चुनाव आएगा तो हम तुमको हड्डियां फेंकेंगे, तुम वो लेकर खुश हो जाना। मैं अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम बराबरी चाहते, हम बराबरी चाहते, बराबरी चाहते नहीं चाहते, क्या मान सम्मान नहीं चाहते, क्या वो नहीं चाहते जो दिनेश यादव के पास हो, क्या वो नहीं चाहते जो दिनेश यादव के पास हो, बताइए मेरे को, क्या दिनेश यादव से कम है, क्या दिनेश यादव से कम है, क्या उसके बराबर है? तो जब बराबर है तो दिखाओ बराबरी। बराबरी कैसे दिखाओगे जब 7 तारीख को हमारी माँ और बहने, हमारे बुजुर्ग और ये जो नौजवान दस बाकी है खुद दुबई को कामयाब करके बोलेंगे, समझो दिनेश अब तुम हम बराबर हो चुके हो, तुम हम से आगे बराबर हो चुके हो। ये बराबरी कराइए साथ देंगे, ये बराबरी कराइए साथ देंगे, आज गांव कितने साथ देंगे बराबरी। देखो आपने हाथ उठा दिया, अब बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, अब दरी बिछाने की बात नहीं होगी, नहीं होगी। और फिर समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से पूछा गया, जो आपके एमपी है, उनसे मीडिया के लोगों ने पूछा, बताइए हिजाब और निकाब पर आपका क्या बोलना है, हिजाब और निकाब पर क्या बोलना है। मुबारकपुर है, जामत अशरफिया है, बाबुल इल्म है, अयाल उलूम है, अब मैं उनके जिम्मेदारों पर छोड़ता हूं। अखिलेश से पूछा गया हिजाब और निकाब के बारे में बोलो, अखिलेश यादव ने जिसको आपने अपने ओर से उसको यहां का सांसद बनाया, उन्होंने कहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जब मीडिया के लोगों ने पूछा बताओ मुस्लिम हो उन्हें दो क्या है, हम अखिलेश यादव साहब को मुबारकपुर से, आजमगढ़ से, हम कहें अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी वालों, जो तुमने नहीं सुना, जो तुमने अपने कानों में उंगलियां लगा ली, वो ऐसी सुन लो, ऐसी पुकार रहा है कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम टोपी पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे, नकाब पहनेंगे, दाढ़ी छोड़ेंगे, कोई बोले, मगर अब आएंगे मुबारकपुर, सुशाल आपके साथ आएंगे, आखिर बोलेंगे वोट दो किसको दे, जब तुम्हारे मुंह से गाली साफी किया हाथ नहीं निकलती, किसको वोट दे। हमने उठाया था हिजाब के निकाब का मसले को, सबने कहा ऐसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिजाब और निकाब को लाया, तो मैंने कहा तुम भारत के संविधान को नहीं जानते नादानों, मेरे ससुराल वालों, अंबेडकर का बनाया संविधान में आर्टिकल 29 है, कल्चर है मेरा हिजाब निकाब दाढ़ी और टोपी, भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है, मैं अपने फंडामेंटल राइट
पर चलूंगा तो नहीं छीन सकते मुझसे। और जब उस बच्ची से बात हुई, उस बच्ची से बात हुई थी जिसको बलवाइयों ने घेर लिया, हमने उससे फोन किया और हमने उस बच्ची को कहा कि पिता देखिए अल्लाह तुमको सलामत रखे, तुम्हारे बाबा को सलामत रखे, क्योंकि उन्होंने तुमको बहादुर बनाया। क्या मुबारकपुर कि हमारी मां और बहने, मुझे यकीन है कि आप भी कमजोर हैं, आप भी बहादुर हैं। मुझे यकीन है कि मुबारकपुर की औलाद अपने माओ को शर्मिंदा नहीं करेगी, बल्कि बहादुरी के साथ साथ तारीख के दिन अपनी मान सम्मान के नाम पर उर्दू जमाली को देगी। और दिन जब जाएंगे सात तारीख को, जो जरा हिजाब निकाब टोपी पहन कर भी जाना, ताकि भैया को मालूम हो जाए ये जो समान नहीं खोलता देखो हम खोल रहे हैं, हमारी शनाख्त है और हमारी शनाख्त कोई हमसे नहीं छीन सकता। अब हम एक बात कितना अरे कर लिया तो किया ही है। आइए तो तमाम सेवस कर रहे थे, अभी हमारे बीजेपी में बोलते थे तो मोदी जी का अमित शाह का बाबा ने आजमगढ़ को के तालुक से कहा, सफर बता रहे थे, बाबा ने कहा 10 मार्च के बाद आजमगढ़ की हवानी कल बाबा हमने जो मुबारक पूर्व में हवा पैदा की, जो अल्लाह उसके रसूल के सत्ते में पैदा हुई, अहले भाई के सत्ते में पैदा हुई, अहले दिल की दुआ के वजह से पैदा हुई। बाबा तुम कौन सी हवा निकाल के भी तो नहीं मालूम, मगर ये जो हवा यहाँ से निकलेगी वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी, पूरे भारत में जाएगी और ये हमको पता नहीं था।
क्या आपको भारत को बना देश के होंगे इस तरह अभी आपको बताएगा वो वीडियो किसी ने निकाला नहीं मालूम सच है या नहीं। उस वीडियो में था एक हमेशा भाषण दे रहे थे तो भाषण में कहा मैं यहाँ पर गुलाम काबिल को 2070 में आया 2070 में ये हमारे बुजुर्ग इमाम गज़ाली बोले कि आप लोग कहाँ हैं मैंने तुम बोल दिया ये तो उठा हो 2070 में आया था कि वापिस कैसे आ गए थे 2070 से 22 में वापिस आ गए वाकई में शाम आए थे वाकई में शाम आए थे आपके पास हो गया आपको मान लिया क्या आप जो है 40 साल पीछे पलट के आ गए 2017 है हमारी नहीं पिछली आज तक पिछली हमारी जबान हम किसी समाज के खिलाफ बोले किसी मजहब के खिलाफ बोले आरपीएफ के खिलाफ बोले मोदी के खिलाफ बोले योगी के खिलाफ बोले और जो कुछ रहेंगे हमारा संविधान जाकर अब आप देखिए मोदी जी अभी 5 मिनट है ईमानदारी से कह रहा अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह ताला ना मैं बुड्ढी वाली को छोड़ूंगा ना आपको छोड़ने वाला हूं। मोदी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता हमको वोट दे रही क्योंकि वो मोदी का नारा खा है नहीं मोदी जी हम देश का नारा खाए और खाने रहेंगे तुम्हारा नारा सही खाए हम जहाँ खाना पसंद कर लेंगे मोदी का नारा खाना नहीं पसंद करेगा हम देश का नमक खाकर आगे बढ़े हमारी माओ ने हमको देश का नमक खिलाया है मोदी जी इतना अहंकार है अपने आप को दिल्ली के बादशाह सलामत समझ रहे हैं वो चौकीदार नहीं है और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं 10 बार उसके बाद सारे का मसला हल करूंगा मोदी जी 7 साल से चाय पीकर आज सो गए थे और बाबा ने कहा जब मोदी जी ने कह दिया तो मैं वजीर तो बाबा ने कहा मैं उसको सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे